जमुई में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। वहां पुलिस ने 50 किलो के दो आईईडी बम बरामद किए हैं। आपको बता दें कि जमुई के भीम बांध जंगल में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। नक्सली यहां बीजापुर जैसी साजिश दोहराने के फिराक में थे। आपको बता दें कि कोबरा 207 और सीआरपीएफ 215 बटालियन के जवानों ने इस इलाके में सर्च अभियान चलाया था। इस दौरान चोरमारा और भट्टाकोल गांव के पास पहाड़ पर लगे 50 किलो के दो आईईडी बम बरामद किए गए। बम का वजन 30 किलो और 20 किलो बताया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने उसे नष्ट कर दिया। आपको बता दें कि लक्ष्मीपुर प्रखंड का भीम बांध एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के रूप में भी जाना जाता है। तो एक बड़ी घटना जमुई में नक्सलियों किसी बड़ी साजिश के फिराक में थे, जिसे कोबरा बटालियन ने नाकाम कर दिया है और 50 किलो के दो शक्तिशाली बम बरामद किए हैं। तो दिल वहां के इलाके को दहलाने की साजिश नक्सलियों के द्वारा कोशिश में थे, लेकिन नक्सलियों के इस साजिश को नाकाम कर दिया कोबरा बटालियन और सीआरपीएफ ने। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हर्ष फोनलाइन पर। हर्ष, पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे। जी मंजूर, देखिए जैसा कि अब तक पता चला है जानकारी के अनुसार कि भीम बांध जो जंगल जो पर्यटक स्थल के नाम से भी प्रसिद्ध है जम्मू जिले में, वहां बीजापुर छत्तीसगढ़ जैसी घटना को फिर से दोहराने की फिराक में नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को जो सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है, और इसमें सीआरपीएफ 215 बटालियन और कोबरा 207 बटालियन ने अपनी सफलता को हासिल किया है। हर्ष, ये जानना चाहेंगे आपसे कि अगर यह बम बरामद नहीं होता तो कितना बड़ा खतरा उस इलाके के लिए और लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि यह पर्यटन स्थल भी है। जी मंजूर, देखिए जैसा कि अब तक पता चला है कि जो सर्च अभियान के दौरान जो पुलिस बल जंगलों में जो सर्च अभियान किया करते थे, उनके लिए पुलिस बलों के लिए ये बहुत बड़ी घटना होने वाली थी और पुलिस बलों को नुकसान और बहुत बड़ी हानि पहुंचाने के लिए नक्सलियों की ये बड़ी साजिश जो है वो नाकाम कर दी गई है। अगर ये बम ब्लास्ट नहीं होता या फिर इसे डिफ्यूज सुरक्षा बल हमारे नहीं करते तो बहुत बड़ा हादसा जम्मू के लिए ये कहा जा सकता है। हर्ष, जिस तरह छत्तीसगढ़ में बड़ी घटना हुई है हाल के दिनों में, क्या उस घटना से जोड़कर देख सकते हैं इसको, क्योंकि नक्सली लगातार ऐसी कई वारदातों को अंजाम देने के फिराक में, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या झारखंड हो या फिर बिहार हो, जितने भी नक्सली एरिया है। जी बिल्कुल, जो छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जो घटना घटी है, हमारे सुरक्षा बलों को इतनी बड़ी हानि पहुंची है, बिल्कुल उसके सिमिलर में ही ये घटना जो नक्सलियों के मंसूबे थे बिल्कुल इससे मिलते जुलते थे और पुलिस बलों को ही नुकसान पहुंचाने की ये साजिश की गई थी। हर्ष, एक जानकारी और चाहेंगे आपसे कि नक्सलियों के खिलाफ मुहिम लगातार चलाई जा रही है, क्या किसी नक्सली के वहां होने की भी सूचना मिल रही है, क्या किसी नक्सली को पकड़ पाने में कोबरा बटालियन और सीआरपीएफ बटालियनों को सफलता हासिल हुई है? जी अब तक तो जिस प्रकार से हमारे पास जो सूचना मिली है जानकारी के अनुसार, चरका पत्थर थाना और चकाई जो है वहां पर लगातार पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में कई नक्सलियों को जो फरार चल रहे थे उनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन ये जो मामला है जो छत्तीसगढ़ के बीजापुर जैसी मामला है, ये वारदात होने वाली थी, इससे रिलेटेड अभी कोई भी गुप्त जानकारी को पुलिस अधीक्षक ने हमारे साथ साझा अब तक नहीं किया है। तो क्या अभी तक पुलिस कोबरा बटालियन के द्वारा सर्च अभियान चल रहा है? जी बिल्कुल, कोबरा बटालियन और सीआरपीएफ बटालियन के द्वारा लगातार उस जंगल में, घने जंगल के अलावे जम्मू जिले के कई जंगल ऐसे हैं, बटिया जंगल में भी सर्च अभियान लगातार पुलिस बल और सुरक्षा बलों के नेतृत्व में चलाया जा रहा ताकि कोई भी अप्रिय घटना न घट सके। जी जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका हर्ष। तो आपको बता दें कि जमुई में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे नक्सली, लेकिन नक्सलियों के इस बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया कोबरा बटालियन और सीआरपीएफ के बटालियन के जवानों ने, और वहां से 50 किलो के दो शक्तिशाली आईईडी बम बरामद किए हैं और साथ ही उन बमों को नष्ट भी कर दिया गया है। और इस घटना को छत्तीसगढ़ जैसी घटना जो पिछले दिनों हुई थी, जिसमें कई जवानों के शहीद होने की खबर थी, वैसी घटना को दोहराने के फिराक में थे नक्सली।